welcome you all to our parenting program. We are thrilled to have you all here and are honored to partner with you in your child's educational journey at Asian Global School. We understand how crucial it is to have a supportive community of parents to navigate the challenges of raising our children. Without further much ado, I would like to invite our Managing Director, Ms. Abha Japatia, to stay on the stage to kick off our program. Thank you. Good evening. Sat Sri Akal, Namaskar. Respected Chairperson, Sir, Ma'am, invited guest, star of the evening, Madam Kajal Ojha, and on behalf of Asian Global School, I extend my warm welcome to all of you parents. I am delighted and thrilled to express my sincere gratitude for choosing our school. It is an honor to have your trust and confidence in our institution. We understand that choosing a new school can be a difficult task and appreciate the time and effort you have invested in making this choice. We assure you that we will do everything in our power to provide your child with a safe, nurturing, happy and stimulating learning environment. We look forward to working closely with you to support your child's growth and development. This school has been founded with a dream to provide a quality learning environment, but also about developing a love of learning that lasts a lifetime. Now about today's program. मैं ऐसा समझती हूँ जो दिल से अच्छे होते हैं वह उनके अंदर ही एक कलाकार बनता है और ये दिल की मलिका है, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। काजल ओझा का नाम और इंट्रोडक्शन की जरूरत ही क्या है। इनके लाखों करोड़ों सोशल मीडिया में चाहने वाले हैं, उनमें से हम, आप और सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। इनके बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, इनके वाचन कला, इनके वक्तृत्व, इनके स्वभाव, इनके इनके इनकी जो पर्सनालिटी है उसमें जिस तरह की धसक है वो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एंड मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहती हूँ। मैं इस तरह के प्रोग्राम को, मैं हमेशा बोलती हूँ, दिस इज द फूड ऑफ सोल, ये आत्मा की खुराक है। इस तरह की ये आपको टच करती है, आपको इन्फ्लुएंस करती है, कहीं जाकर चेंज करती है। और क्योंकि मैंने इनको बहुत सुना है इसीलिए हमने ऐसा सोचा भी कि इनको बुलाया जाए और मुझे पक्का पता है कि आप सब इनसे बहुत बहुत प्रभावित होंगे। विदाउट फर्दर डिले, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, आई वुड लाइक टू इन्वाइट द लेडी, द स्टार ऑफ दिस मूवमेंट, मैडम काजल ओझा जी, प्लीज कम। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम। दिस इज टोकन ऑफ लव मैम फॉर यू। Yeah, now stage is yours, ma'am, completely. Round of applause, parents. I do not hear. Thank you very much. Thank you for accepting our invitation, ma'am. Yeah. Hello. आप सभी को मेरा प्रणाम। आप कौन सी भाषा में सुनना पसंद करेंगे, हिंदी में या गुजराती में? हिंदी। आई थिंक लॉट ऑफ पेरेंट्स आर नॉन गुजराती ऑल्सो, सो लेट अस टॉक द नेशनल लैंग्वेज सो ऑल ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड वेल। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की शाम एशियन ग्लोबल स्कूल के सारे पेरेंट्स जो आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा कहा आभा जी ने कि नई स्कूल पसंद करना बहुत मुश्किल होता है। हम जब मेरे बेटे के लिए स्कूल ढूंढ रहे थे तो हमें ये पता था कि हम गुजराती मीडियम में उसे पढ़ाना चाहते हैं। मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ, मेरे हस्बैंड गुजराती मीडियम में पढ़े और हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि उसे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए या गुजराती मीडियम में पढ़ाया जाए। और अगर हमारे घर में इतनी अंग्रेजी नहीं बोली जाती है तो हम किस भाषा में उसके साथ बात करेंगे, वो किस भाषा में ग्रो करेगा।
बहुत सारे सवाल होते हैं पेरेंट्स के संग, और दुनिया का हर पिता हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा अव्वल हो, बहुत अच्छा हो, होनहार हो, होशियार हो, अचीवर हो। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबके बच्चे तो पहला नंबर नहीं आएंगे। अब अगर पहला नंबर नहीं आया तो आपका बच्चा कमजोर है। अगर उसके 100 out of 85, 90, 95 मार्क नहीं है तो आपको लगता है कि आपका बच्चा अचीवर नहीं है। अगर वो क्लास में टॉपर नहीं है तो आपका बच्चा कुछ खो रहा है जिंदगी में, कैसे इस दुनिया से जूझेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, ऐसा सब आपको सताता है, लगता है कभी? हाँ या ना? मुझे तो आप लोग यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, आज मैं आपसे बात करने आई हूं तो जवाब नहीं देंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा। हाँ या ना? हाँ, हर माता पिता को लगता है कि उसका बच्चा दुनिया के सामने कैसे लड़ेगा, कब कमाएगा, कमाएगा तो कितना कमाएगा, कब आगे बढ़ेगा। और हर बच्चे को देख के हर माँ को यह ख्याल आता है कि देखो ये कितना इंट्रोवर्ट, मेरा बेटा बात नहीं करता, ये कितना एक्सप्रेसिव है। मुझे आप सबसे सबसे पहले रिवर बंद कर दीजिए, मुझे आप सबसे सबसे थोड़ा गेन बढ़ाइए, फिर पीछे नहीं पहुंच रहा। मुझे आप सबसे ये कहना है सबसे पहले कि हर बच्चे में एक अलग क्वालिटी है। मैं 10th में थी और मुझे साइंस नहीं लेना था, मेरी माँ ने बहुत जबरदस्ती की। उस वक्त तो दो ही करियर हुआ करते थे, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, और कुछ होता ही नहीं था। बहुत जबरदस्ती की तो मैंने मैथ्स का पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, 0 मार्क मैथ्स में, पहली बार किसी का आया होगा 50 out of 0, 0 out of 50। और मैं घर आई, मेरी माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, मैंने कहा मैं नहीं करना चाहती। तो उन्होंने कहा कि तुम डरती हो, तुम्हें मेहनत करने से डर लगता है, इसलिए तुम्हें नहीं साइंस लेना है। तो ये तो चैलेंज हो गया। मैंने साइंस लिया, 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज से साइंस पास किया। और तब मेरी मम्मी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अगर 12th में अच्छे परसेंट से पास करोगी तो तुम जो चाहोगी फिर कर सकती हो। तब उसने शायद ये सोचा होगा कि इतने अच्छे परसेंटेज आने के बाद क्यों कुछ और करेगी। लेकिन मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए और मैंने कहा कि अब मुझे आर्ट्स में जाना है। जब मैंने एडमिशन के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज में मेरा फॉर्म रखा और उसके साथ मार्कशीट अटैच की तो प्रिंसिपल बाहर आ गए कि आप सही जगह है ना, आपको पता है ना कि आपको यही करना है। अगर नहीं करती, अगर उस वक्त मैं डिसीशन नहीं ले पाती, अगर मैं मेडिसिन में जाती तो मुझे पता है मैं बहुत खराब डॉक्टर बनती, इतनी बुरी डॉक्टर कि जिंदगी में कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। हर एक इंसान के पास अपनी एक फितरत होती है, अपनी एक अपना एक हुनर होता है, अपनी एक कला होती है। आपके बच्चे के अंदर क्या है ये पहले ढूंढिए। हर बच्चा इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, डांसर बनने के लिए, स्केटिंग सीखने के लिए, चेस खेलने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए पैदा नहीं भी होता है। आप सब यंग पेरेंट्स हैं, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि ये यंग पेरेंट्स को आजकल एक अजीब सा क्रेज है, डांस से निकाल के पेंटिंग में, पेंटिंग से निकाल के चेस में, चेस से निकाल के यहाँ वहां से अरे और छोटा सा बच्चा बेचारा माँ के स्कूटर के आगे खड़ा हो जाता है, उसको लगता है मेरी मम्मी के सपने हैं, मुझे पूरे करने चाहिए। इतने छोटे कंधों पर इतनी जिम्मेदारी मत डालो। अपने दो सपने, माँ के दो सपने, पिता के, ये 4 हुए हैं और ऊपर 2 उसके अपने, 6 सपनों का बोझ आप इतनी छोटी छोटी 2 आंखों पर डालते हैं। बहुत मुश्किल है उसके लिए ये निभाना और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना। बचपन बार बार नहीं मिलता है। आप सोचिए, सब माँ बाप को चाहिए कि ये CBSE की स्कूल है, वेकेशन हुआ और तुरंत नेक्स्ट स्टैंडर्ड आप शुरू करते हैं। अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये कहना है कि ये जो पढ़ाई आज की हो रही है,
या आज की पढ़ाई में जिस तरह से आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, धकेल रहे हैं, उसके पास जो अपेक्षाएं रख रहे हैं, मत रखिए। खेलने का वक्त ही नहीं दिया हमने बच्चों को, और अब तो वेकेशन में भी समर क्लासेस, स्विमिंग सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, कहानियां कब सुनेगा, कल्पना कब करेगा, कब खेलेगा, कब अपना वक्त निकालेगा, कब अपने बचपन के साथ यादें संजोएगा, जो बड़ा होके याद करेगा कि हम बचपन में ये करते थे, हम बचपन में वो करते थे, हम बचपन में कुछ नहीं करते थे, हम सिर्फ क्लास करते थे। ऐसा एक वक्त आ जाएगा जब वो आप उससे पूछोगे, आज के जो ये बच्चे हैं इनसे आप पूछना कि बचपन में क्या करते थे, तो बोले कुछ नहीं याद है, सिर्फ क्लास में जाते थे, एक क्लास से निकल के दूसरे क्लास में जाते थे। मैं आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके बच्चे में क्या हुनर है ये ढूंढिए। हर बच्चा पेंटर नहीं है, हर बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, क्योंकि पिता बहुत अच्छा टेनिस खेलते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चा अच्छा टेनिस खेले, उसको रैकेट पकड़ने से ही त्रास होता है, उसे नहीं खेलना है, वो नहीं उठ सकता सुबह। मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, मैं स्टेट तक गया, नेशनल नहीं खेल सका, तू खेल नेशनल, क्योंकि मैं नहीं खेल सका इसलिए अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू मेरी इच्छा को पूरी कर। मत कीजिए। उसने कभी आपसे कहा कि मेरी इच्छा पूरी कीजिए, तो आप कैसे उस पर ये बोझ डाल सकते। पेरेंटिंग बहुत खूबसूरत चीज है। मैं आपको सच बताऊं, जिनको दो बच्चे उनको पता होगा कि एक ही माँ बाप के एक ही घर में पैदा हुए, एक ही कोख में पले बच्चे अलग हैं। जिनको दो बच्चे हैं उनको ये बात पता है कि बड़ा बच्चा कुछ अलग ही बड़ा हुआ और दूसरा बच्चा कुछ अलग ही निकला। एक ही घर से दोनों बच्चे पैदा हुए, आपने दोनों को एक जैसी परवरिश दी है, आपने कुछ दोनों में फर्क नहीं किया, फिर भी एक बच्चा इतना मस्ती खो रहे, इतना एक्सट्रोवर्ट है, इतना स्मार्ट है, और दूसरे बच्चे को आपको बोलना पड़ता है जा बात कर, जा बात कर। हो सकता और आपको लगेगा ये कितना इंट्रोवर्ट है, ये कुछ नहीं बोलता, ये कुछ नहीं करता। अजय देवगन कोई पार्टी में नहीं जाता, आमिर खान कोई पार्टी में नहीं जाता, तो क्या स्टार नहीं है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है? सचिन तेंदुलकर को आप बार बार कहीं नहीं देखते हो तो क्या वो अच्छा नहीं खेलता है? एक इंसान के एक्सट्रोवर्ट होने पे या स्मार्ट होने पे या दूसरों को इम्प्रेस करने पे उसकी करियर का कोई दारोमदार नहीं है। ये बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत पेरेंट्स मिलते हैं जो मेरे साथ बात करते हैं और मुझसे ये कहते हैं बोल तो ज नहीं, कोई नहीं साथे मिक्स ज नहीं था, तो काहे वांदो नहीं, एने एना जेवा लोको मळशे तो मिक्स थशे, सब बच्चे एंटरटेन करें, सब बच्चे मस्ती करें, सब बच्चे नटखट कृष्ण कन्हैया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई राम भी होता है जो कम बोलता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, कोई कृष्ण होता है। अगर हमारे देवों के स्वरूप में इतना फर्क है तो आपके बच्चों के स्वरूप में तो होगा कि नहीं होगा? और हम उनके पीछे लग जाते हैं कि इसको मैंने जैसा सोचा है ऐसा बनाना। आपके दिमाग में जो बच्चा है ऐसा बच्चा आप बनाना चाहते हैं, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। वो अपने साथ अपना नेचर, अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, अपना डीएनए लेके आया है। और मैंने बहुत मम्मियों को सुना है बिल्कुल उसके बाप के जैसा है, तो नहीं होना चाहिए, दूसरों जैसा होना चाहिए, बिल्कुल अपने बाप पे गया है, ऐसा सोए रहता है, तो क्या दूसरे और किसी के जैसा चाहिए आपको बच्चों, कि अपने पति जैसा चाहिए? नहीं, ये बहुत सीरियस सवाल है मेरा। और मजे की बात क्या है पता है, अगर ट्रॉफी लेके आए तो दोनों में से एक कहेगा देखा मेरा बेटा ट्रॉफी लेके आया, और पड़ोसी के कांच तोड़े तो बोलेंगे तेरा बेटा देख पड़ोसी के कांच तोड़ के आया, ये मेरा तेरा क्या होता है? मैं आजकल देखती हूँ इतने पेरेंट्स को, मैंने जितने घंटे रखा अब तुम रखो, ये कोई चीज है क्या? मैं सुबह से संभाल रही हूं अभी तुम संभालो, ये क्या मतलब हुआ? ये कोई नंबर से कि 6 घंटे की ड्यूटी मैंने की, अब 6 घंटे की ड्यूटी तुम करो, अब 6 घंटे की ड्यूटी कोई और करे। पेरेंटिंग तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम। हम सब बच्चा पैदा करना जानते हैं, मां बाप बनना बहुत मुश्किल।
आप एक पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये हमेशा याद रखिए। और आपका बच्चा अच्छा इंजीनियर हो ना हो, अच्छा डॉक्टर हो ना हो, अच्छा इंसान जरूर बनाइए, क्योंकि अच्छा डॉक्टर अच्छा इंसान नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अच्छा इंजीनियर अच्छा इंसान नहीं होगा ना तो ब्रिज टूटेंगे, लोग मरेंगे। सो पहले ये तय कीजिए कि आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक, एक सच्चा वोटर, एक देशभक्त देना है इस देश को। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें साल लग जाते हैं, एक रात में नहीं होता। ये मोस्टली माँ बाप 15 अगस्त को 26 जनवरी को बच्चे को बोलते हैं कहाँ अभी उठ के ध्वज वंदन में जाना है, सो जा, गाड़ी खोल के कचरा बाहर फेंक देते हैं बच्चे के सामने, लाइन तोड़ के घुस जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बच्चा नोटिस करता है। आप यही खड़े अहमदाबाद में और फोन उठाते और कहते अच्छा सुनिए मैं आज हैदराबाद में हूं, हम कल बात करते हैं, वो छोटा सा नीचे खड़ा हुआ देख रहा है इसे कि हैदराबाद है, कल तक तो अहमदाबाद था। और दूसरी मिनट में आप उससे बोलते बेटा झूठ बोलना गलत है, मुझे अब सबको बताना है कि आप लोग जो कहते हैं वो नहीं करते आपके बच्चे, आप जो करते हैं वो करेंगे आपके बच्चे, ये याद रखिए। वो आपको बहुत क्लोजली सीसीटीवी कैमरा के जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। कभी किसी डैडी ने ऑब्जर्व किया है कि अगर डैडी स्लीव फोल्ड करके पहनते हैं तो बच्चा भी स्लीव फोल्ड करके पहनता है, अगर डैडी चम्मच से खाते हैं तो बच्चा भी चम्मच से खाता है, डैडी को जो सब्जी नहीं पसंद वो ऑटोमेटिकली बच्चे को नहीं पसंद, उसने टेस्ट भी नहीं किया। मतलब ये हुआ कि पिता हीरो है, पिता आइडियल है, पिता जो कर रहे हैं वो सब सही है, पिता जो जी रहे हैं वैसा ही मुझे जीना है, ये एक उम्र में हर बच्चे के मन में रहता है। और तब अगर पिता कुछ गलत करते हैं, तब अगर पिता माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हमने बहुत बार सुना है कितने फादर्स को कहते हुए तारी मामा अक्कल नहीं, तारी माँ बेवकूफ चे, तारी माँ ने अमजन नहीं पढ़ती, ये उसके कानों में जाता है और कानों से सीधा दिमाग में जाता है। बहुत रिस्पेक्ट कीजिए अपनी पत्नी को, अपने बच्चे की माँ को। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो ही आपका बच्चा अपनी माँ को रिस्पेक्ट करना सीखेगा। इक्वली ये मुझे अपनी सारी मम्मियों से भी कहना है कि सब मम्मी को लगता, हम लोगों ने माँ को बहुत ग्लोरीफाई किया, माँ माँ मतलब कौन, निरूपा रॉय से लेके आज तक मम्मी बेस्ट है। और सारी दुनिया में मजे की बात क्या है पता है, बच्चे को लगता है मम्मी इज फ्रॉम डेविल्स लैंड एंड डैडी इज फ्रॉम डिज्नीलैंड, क्योंकि मम्मी पीछे लगी रहती है, नहा ले खा ले होमवर्क कर टीवी बंद कर ये कर वो कर, डैडी 6 घंटे 8 घंटे घर में गुजारते हैं, तो डैडी बोलते हाँ हाँ देखने देने टीवी क्या उसके पीछे लगी है, तो उसको लगता है डैडी मेरे पक्ष में मम्मी मेरे पीछे लगी है। एक बात मैं आप सबसे कहती हूं, एक रूल बनाइए और उस रूल को दोनों फॉलो कीजिए, देयर इज नो लॉयर इन द हाउस। अगर आपने तय किया कि दिन में 2 घंटे वो टीवी देखेगा तो वो 2 घंटे आप तय कीजिए कि कौन से 2 घंटे देखेगा या कौन से 2 घंटे देखेगी, और उस 2 घंटे में कोई फर्क नहीं होगा, जब भी चाहे वो 2 घंटे वो यूटिलाइज कर सकते हैं, आईपैड पे टीवी पे फोन पे जैसे आप तय करें। लेकिन आज 2 के 2.5 हो गए, कल 2.5 के 3 हो गए और डैडी बोल रहे हैं करने देना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। एक रूल है, उस रूल को सारा घर फॉलो करेगा, ये अपब्रिंगिंग का पहला और फोरमोस्ट नियम है। एक ही रूल है, उस रूल को सब फॉलो करेंगे। अगर घर में 8 बजे खाना खाया जाता है तो सारे लोग घर में 8 बजे अगर पहुंच जाते हैं तो 8 बजे सब लोग खाना खाएंगे, और खाना खाते वक्त टीवी नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। आजकल की मम्मियों के क्या प्रॉब्लम है, बच्चा खाता नहीं है, मोबाइल चालू कर दिया, बच्चे ने खा लिया, मम्मी का काम जल्दी खत्म हो गया, और फिर जब वही बच्चा 10-12-15 साल का होके फोन में देखते हुए खाता है, मम्मी बोलते फोन मुड़ी दे, पर आदत तो आपने ही डाली, अब ये फोन देखता है तो आपको प्रॉब्लम है।
कीजिए। एक ही रूल है, खाते वक्त फोन नहीं होगा, सबके साथ बच्चा चेयर पे बैठेगा और खाएगा, और खाने का एक ही समय है, जिसको जब मर्जी आए खाए, ऐसा घर में होना नहीं चाहिए। फिर सबकी जॉब पे, सबकी वर्क ड्यूटीज पे, आवर्स पे डिपेंड करता है। एक मील घर का सबका साथ में होना चाहिए, और उस वक्त किसी का भी फोन टेबल पे नहीं होना चाहिए। आपको अच्छा लगे या बुरा, ये बात आप सब लोग समझ लो कि उस 15 मिनट में कौन से करोड़ रुपए का व्यवसाय आप कर लेते हैं, या 15 मिनट में क्या आप ऐसा गवा देते हैं जो आप अपने परिवार को 15 मिनट नहीं दे सकते। ब्रेकफास्ट करते हुए 15 से 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, चलिए वो आधा घंटा आप अपने पेरेंट्स अगर साथ में रहते हैं तो वो, बच्चे साथ में है तो वो, पत्नी है, पति है, अगर पत्नी भी काम करती है तो और भी अच्छा है, कि सब साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट एक ऐसा मील है जो साथ में खाएं, और उस वक्त वो बात करें जो घर में सबको इंटरेस्ट करती हो, कुछ ज्ञान की, कुछ अक्कल की, कश्मीर का मसला क्या है। आपके बच्चे को कुछ नहीं पता, आपका बच्चा हिंदुस्तान का नागरिक है सिर्फ पासपोर्ट के लिए, आप उससे पूछो हमारे गुजरात के होम मिनिस्टर कौन है, उसको नहीं पता, वो रट्टा मारेगा। हम उससे ये भी नहीं बताते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स हर जगह देख रहा है तो उसको पता ये मोदी है। इसके अलावा हमारे सारे मंत्रियों के नाम नहीं पता, हमारे कितने जिले हैं, हमारे कितने स्टेट है, कौन से स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से स्टेट में क्या चल रहा है, बच्चे को कुछ नहीं पता। और 10-12 साल के बच्चे को अगर देश की ज्योग्राफी नहीं पता तो उसे क्या पता है सलमान खान कौन सी पैंट पहनता है। और हमारा सबका प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए हीरो अब सिर्फ फिल्म स्टार है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास अब गांधी, नेहरू, विवेकानंद नहीं है। हमारे लिए हीरो का मतलब होता है फिल्म स्टार। आपके बच्चे को सलमान के लफड़े पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, या पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम किसके नाम से पढ़ा, रामायण महाभारत की कहानियां नहीं पता है। और अंग्रेजी स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो बहुत ऐसा उसके पास अपेक्षित है कि वो घर में भी अंग्रेजी बोले या फिर हिंदी बोले। अब दादी है जो कहानी सुनाती है, जो अंग्रेजी या हिंदी नहीं बोल सकती है, वो कहानी सुनाएगी, बेटा एक तो राजा, और बहू दौड़ के ना 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 गुजराती में बात मत करो। यहां एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, सेलिब्रेट रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचा मकान बांधने के लिए उसके जो जड़ होती है उसको भी और अंदर डालना पड़ता है। अगर आपके बच्चे के पास रूट्स ही नहीं है तो वो विंग्स कैसे एक्सप्लोर करेगा, ये सोच लीजिए। मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन, सेलिब्रेट रूट्स, मेरी भाषा, मेरा परिवार, मेरे संस्कार, मेरी दुनिया, मेरी संस्कृति, ये उसको पता ही नहीं। हम इतने से बच्चे को सिखाते हैं जय जय करो, जय जय करो, क्या है ये जय जय, 10 उंगलियां क्यों जुड़ती, किसी को पता है? ये 5 तत्व हैं और ये 5 इंद्रियां हैं। 5 तत्व और 5 इंद्रियां जब मिल जाती है और मन बुद्धि अहंकार से जब हम जुटते हैं तो उसे प्रणाम कहा जाता है। हम सिर्फ जय 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 करते हैं और इतने से बच्चे को सिखा देते हैं, ऐसे ऐसे करके वो जय जय कर देता है, लेकिन जब समझने लगता है तो उसे सिखाइए कि प्रणाम क्यों करते हैं। हमारे 5 तत्व और 5 इंद्रिय हमारे कंट्रोल में रहे, ये हमारी प्रार्थना है। ऐसा तो कोई करता नहीं, दिया क्यों चला तो? दिया इसलिए जलाते हैं कि दीपक सिर्फ एक ऐसी चीज है, अग्नि सिर्फ एक ऐसी चीज है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जाती है, बाकी सब ऊपर से नीचे आता है, अग्नि एक ही है जो नीचे से ऊपर जाता है। और हम अग्नि का प्रागट्य करके, दिया जला के ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में भी उज्ज्वल हो और हम भी इस दीपक की तरह ऊपर ऊर्ध्व गति करें, हमारा दिमाग, हमारा मन ऊपर की तरफ जाए, नीचे नहीं गिरे। ये बातें हम सिखाते नहीं, और ये सब कुछ अवेलेबल है, अब तो गूगल पे अवेलेबल है।
लेकिन आप उसे कभी भी उसके साथ जब भी बात करते, डिड यू ईट, कम ऑन गो टू बेड, हैव योर बाथ, ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये टॉक नहीं है, ये रोबो नहीं है कि जिसका बटन दबाया और उसने खाना खा लिया, बटन दबाया और नहा लिया, बटन दबाया और सो गया। उसे अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा है, अपना बचपन है। उसके साथ बात कीजिए। सोते वक्त 15 मिनट अगर माँ या पिता उसके साथ लेट कर दुनिया की बात करें, अपने परिवार की बात करें। फर्स्ट कजिन को नहीं पहचानते बच्चे, बुआ के चाचा के बच्चे को नहीं पहचानते, क्योंकि परिवार न्यूक्लियर हो गया, तीन जन का परिवार। जिसने क्लोजली पोस्टर्स ऑब्जर्व किए हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स, उसको पता होगा कि पहले जब होर्डिंग लगते थे तो माँ पिता और दो बच्चे गाड़ी में बैठते थे, हाँ या ना, हाँ या ना। उसके बाद ऐसा वक्त आया कि माँ पिता और एक बच्चा, और अभी एक होर्डिंग लगा था पॉलिटेक्निक में, वाइफ हस्बैंड और कुत्ता, मैंने देखा था और मैंने शेयर भी किया इस बात को कि सोचो कैसा पागलपन है, कितने सारे परिवार चाइल्डलेस बाय चॉइस रहना पसंद करते हैं, सीएलबीसी कहते हैं उनको। वो तय करते हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हम दुनिया घूमना चाहते हैं, हम हमारे पैसे हम ही उड़ाएंगे, हमको बच्चा नहीं चाहिए। अगर ऐसा तय करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ये तय किया है कि आपको पेरेंट बनना है, दोनों में से एक कोई भी, तो ये समझ लीजिए कि आपने पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई, और ये सिर्फ इकोनॉमिक जिम्मेदारी नहीं है, ये इमोशनल जिम्मेदारी है, ये मॉरल जिम्मेदारी है, ये इंटेलेक्चुअल जिम्मेदारी है, और सबसे ऊपर ये एम्पैथेटिकल जिम्मेदारी है। आपके बच्चे में करुणा होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है और आपका बच्चा खा रहा है, तो कभी आपने देखा कि आपका बच्चा अपनी कटोरी लेके गया और काम करने वाले से कहा कि वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, एक वेफर किसी को दिया? मैं ऐसे माँ बाप को जानती हूँ जो बोलते हैं नहीं आपे, कोई ने नहीं, आप तो ये खुश होने की बात नहीं है, दुखी हो जाइए इस बात पर कि आपका बच्चा शेयरिंग नहीं कर रहा है। मैं इतने सारे माँ बाप को जानती हूँ, ये जो बच्चे खेल रहे हैं उस उम्र के बच्चे, बद्दा ने मारे अच्छे ऊसू करो, ये तो मारे, ऐसे कैसे मारे? आपने कुछ तो ऐसा किया है जिससे बच्चा इतना हिंसक हो गया। मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करूंगी। मैं, मेरे मदर इन लॉ और मेरा बेटा ढाई साल का होगा करीब, और तब ये अल्फा मॉल बना था नया नया, तो हम अल्फा मॉल देखने गए और मेरे बच्चे ने बहुत जिद की कि मुझे एक गन चाहिए। तो मैंने कहा मैं गन नहीं दिलाऊंगी, तुम्हारे पास दो गन है, तुम्हें तीसरी गन की जरूरत नहीं है। तो वो सो गया मॉल में, और सो के ऐसे ऐसे और बड़ा सीन उसने क्रिएट किया, और आते जाते लोग उसे देख रहे हैं, वो रो रहा है बड़ी आवाज में। और मैंने मम्मी से कहा चलिए हम चलते, तो मम्मी ने कहा लेकिन ये, मैंने कहा वो आ जाएगा। हम चलने लगे धीरे धीरे, उसने पहले रोना बंद किया, फिर वेट किया कि कोई आता है कि नहीं, फिर उसे पता चला कि ये लोग तो जा रहे हैं और भीड़ में खो जाएंगे तो मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, तो अपने आप ऐसे खड़ा होकर आ गया पीछे पीछे। ना मैं चिल्लाई, ना मैंने मारा, ना मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे बच्चे के प्रति हिंसा है, लेकिन मैंने उसकी जिद पूरी नहीं की। मैं चाहती हूँ आप इतने दृढ़ रहे, इतने मक्कम रहे, उसकी हर जिद पूरी करना प्यार नहीं है। वो टीनेज में आएगा, फिर आपसे कहेगा कि अगर आप मुझे बाइक नहीं दिलाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, और ऐसे केस चल रहे हैं बहुत सारे, ये करो नहीं तो सुसाइड करूंगा, वो करो नहीं तो सुसाइड करूंगा। ये धमकी है, ये ब्लैकमेलिंग है। सो इफ यू सरेंडर इन द बिगिनिंग, यू विल हैव टू सरेंडर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। रिमेंबर दिस, देयर इज नो ब्लैकमेल, देयर इज नो ब्लैकमेल विच इज गोइंग टू वर्क इमोशनली और फिजिकली और मेंटली और चैलेंजिंग, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। ना का मतलब ना और हाँ का मतलब हाँ।
आज के बच्चों की मजा क्या है कि उनको ये पता है कि एक बार माँ ने ना बुझावा देने प्लीज करवा देने प्लीज प्लीज प्लीज, वो जैसे भिखारी ऐसे ऐसे करके नहीं आपको इरिटेट करके अल्टीमेटली पैसा लेके जाते। अब आज के बच्चे ये सीख गए, डोंट सरेंडर टू व्हाट दे आर सेइंग, डू व्हाट यू थिंक इज राइट एज अ पेरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी किसी ने मुझे बहुत अच्छा व्हाट्सएप भेजा कि एक बच्चे को उसकी माँ ने पूछा कि नानी का बर्थडे है तो तुम क्या दोगे, तो बच्चे ने कहा फुटबॉल। तो माँ ने कहा नानी 80 साल की है, वो फुटबॉल खेलेगी क्या, उसको फुटबॉल क्यों दे रहे हो, उसका कोई काम का नहीं है। तो बोले क्यों, नानी ने मेरे 12वें जन्मदिन पर मेरे को भगवत गीता नहीं दी, मेरे क्या काम की है भगवत गीता। एक तरफ से हंसी आती है, दूसरी तरफ से दुख होता है कि 12 साल के बच्चे को लगता है कि भगवत गीता उसके किसी काम की नहीं। कैसी जगह पहुंच गए हम सब, अगर फ्रेंड के पास एक टाइप का कंपास बॉक्स है, पेंसिल है, कुछ है, उसको चाहिए और किसी हाल में चाहिए। और हमें भी लगता है कि अरे यार फिर उसको इंफीरियर फील होगा। इंफीरियरिटी क्या होती है, एपीजे अब्दुल कलाम जिस स्कूल में पढ़े वो स्कूल आप जाके देखिए, सुंदर पिचाई जिस स्कूल में पढ़े गूगल के हेड वो स्कूल आप जाके देखिए, कहीं ऐसी गली में कहां कोने में स्कूल है जहां से निकल के वो गूगल का हेड बन के बैठ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास कितना पैसा है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसके पास कौन से शूज है, किसके पास क्या है। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस। आप अपनी ब्रांड जज करते हैं इसलिए बच्चे की ब्रांड जज होती है। कभी सोचा है एक साल के बच्चे को टाइट अजीब से कपड़े पहना के माँ उसको डॉल बना के इधर बैंड लगा के, नहीं चाहिए भाई उसको ये सब। ये आपकी इच्छा है कि आपका बच्चा डॉल जैसा लगे, गुड़िया खरीदो, ये जिंदा बच्चा है। इतनी गर्मी में अभी किसी की शादी में हम गए थे घाघरा चोली और बच्चा रोए जा रहा है रोए जा रहा है रोए जा रहा है, और माँ के फिर इवेंचुअली मैं नहीं रह पाई, मैं जानती भी नहीं थी उनको। मैंने कहा आपके पास गंदी चड्डी है, ये घाघरा चोली निकालो और उसको पहनाओ, और बच्चे को स्मूथ गंजी और चड्डी शॉर्ट्स पहनाए और बच्चा खेलने लगा। आपकी मर्जी है घाघरा चोली, उसकी मर्जी नहीं है। आपको चाहिए कि आपका बच्चा ब्रांड्स पहने, स्मार्ट लगे, सबके सामने आपका वट हो कि देखो मेरा बच्चा क्या कपड़े पहनता है, मैं लाती हूं। नहीं, मत अभी से उसे कॉन्शियस करो कि कपड़ों में ही नूर है, कपड़ों से ही उसकी पहचान है, कुछ भी पहने क्या फर्क पड़ता है। मेरा राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम था, स्टैंप हम लोग चित्रलेखा के रिलीज करने वाले थे, और राष्ट्रपति भवन में एक बार अंदर चले गए उसके बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। तो राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद मेरी साड़ी पे मेरे एडिटर का पाव आ गया और मेरी पूरी साड़ी ऐसे चर्र करके फट गई। अब सब टेंशन में, बाहर जा नहीं सकते, साड़ी ला नहीं सकते, और फटी साड़ी के साथ मैं क्या करूंगी। और मैंने सबसे कहा कि एक्चुअली तो इतना ही दिखेगा पोडियम के पीछे, साड़ी फटी है कि नहीं किसी को देखने का टाइम नहीं है, मुझे पोडियम के पीछे ही खड़े रहना है। फटी साड़ी पहन के मैंने कंपेयर किया और वो आज भी यूट्यूब पे है और लोग बड़े आनंद से देखते हैं और किसी को पता नहीं कि उसमें साड़ी फटी हुई। बताइए क्या फर्क पड़ गया। आज यहां अगर मैं एक फटा मेरे कुर्ते में कुछ फटा है तो मेरे बोलने में कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना। तो क्या अगर कपड़े ही सभी पहचान है, आप आपके बच्चे को सिखाते हो ब्रांड्स, आप आपके बच्चे को सिखाते हो कॉन्शियस होना, क्या है जाए तो सरखा कपड़ा पहरी ने जवानों आहा कपड़ा नहीं पहरवाना, डैडी जो केवा स्मार्ट लागे छे, ये डैडी जेवड़े थोसे तेरे स्मार्ट लाग से, इतनी भी क्या जल्दी है अभी से। आप सोचो हम लोग जब स्कूल में थे तो फुल पैंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बच्चे चड्डी पहनते थे, शॉर्ट्स वॉज द ड्रेस फॉर बॉयज, देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फुल पैंट, एंड टूडेज चिल्ड्रन रिफ्यूज टू वेयर शॉर्ट्स।
अभी फुल पैंट पहनेंगे 5 साल के बच्चे, और जब बड़े हो जाएंगे 20 साल के तब शॉर्ट्स पहन के जाएंगे। तब आप मुश्किल से के कोई ना लगन में बरमुडा पहरी ने ना जवाए तो फिर वो ही कहेंगे मुंह तो आप पहरी ना इसलिए जवाब ले जाओ। जब फुल पैंट पहनने का समय आएगा तो उनको शॉर्ट्स चाहिए, जब शॉर्ट्स पहनने का समय है तो उनको फुल पैंट चाहिए, और ये सब हम दे रहे हैं क्यों? बेचारा सब माँ बाप को लगता है मुझे जो नहीं मिला वो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। एक्चुअली आपको जो मिला है ना वो आपके बच्चे को मिलना चाहिए, समय, संस्कृति और संस्कार। बाकी कुछ आप उसको दे ना दे, आपके माता पिता ने जो आपको दिया है वो अचूक दीजिए, वो है समय, संस्कृति और संस्कार। ये 3 चीजें अगर है तो ही आप रूट सेलिब्रेट कर पाओगे, वरना रूट नहीं सेलिब्रेट कर पाओगे। बहुत बड़ी बात है रूट्स को सेलिब्रेट करना। हम बार बार ये कहते हैं अपनी संस्कृति अपनी संस्कृति अपनी संस्कृति। क्या है अपनी संस्कृति? कभी बच्चे को बताया भी है क्या? पता है आपके बच्चे को मैना गुर्जरी कौन थी, जसमा उड़न कौन थी, मीनल देवी कौन थी? गुजरात की राजधानी गांधीनगर नहीं थी, पाटण थी। सिद्धराज जैसी कौन था, सोलंकी वंश क्या था, कुछ नहीं पता। और स्कूल में आएगा तो आपका बच्चा फट 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 रट्टे मार के हिस्ट्री में 5 में से 5 इसमें रोकड़ा मार का आएगा। खाली जगह बत्ती मोड़े करवानी, फिल इन द ब्लैंक्स, रोकड़ा मार्क आ तो पूछा से इतना माटे शिखवानू कारण के पूछा से इतना माटे नहीं शिखवानू कारण के जानवू जोइए, जानू कहीं ना चाहिए, शीखी ले मोड़े करी ले पास थी जा। आ बता रोकड़ा मार्क छे साइंस मा, एक प्रयोग साचो लखीस तो मार्क रोकड़ा, आम करीस तो रोकड़ा मार्क, आम करीस तो रोक। अरे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड लिख रहे हैं हम कि कुछ और भी जिंदगी में है? बच्चे को कुछ भी अलग कुछ भी डिफरेंट करना हो तो माँ बाप को स्ट्रेस हो जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय में घर सभा करते, संत आते हैं घर पर और घर के लोगों से बात करते। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है स्कूल को ये घर सभा करनी चाहिए। हर स्कूल को हर हफ्ते 5 पेरेंट्स के घर पे घर सभा करनी चाहिए, और आपको पता चलेगा कि जो बच्चा स्कूल में एकदम अच्छा है, टिफिन ठीक रखता है, अच्छा दिखता है, अच्छा, वो घर में जाके क्या करता है। ये घर का बिहेवियर और स्कूल का बिहेवियर डिफरेंट है, क्योंकि मां सिखाती है कि स्कूल में तू जैसा बिहेव करेगा ना तुझे डिसिप्लिन के मार्क उतने मिलेंगे। उसे मार्क चाहिए, उसे कोई अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने से कोई मतलब ही नहीं। यूनिफॉर्म सही पहनना चाहिए, ये सही करना चाहिए, लेकिन इंसान कैसा बनना चाहिए ये कब सिखाएंगे? हमारे सबके बच्चों के पास एक्सेस कपड़े हैं, है या नहीं? हाँ या ना? कितने माता पिता ने ये कहा कि अब तेरी स्कूल खत्म हो गई, वैकेशन शुरू हो गया, सारे वो टी शर्ट और ट्राउजर्स निकाल दे जो तुझे फिट नहीं करते या तुझे पसंद नहीं है या तूने नहीं पहने, वो लेकर जाइए और वहां उसी के हाथ से दिलवाइए जिन बच्चों के पास एक जोड़ी भी कपड़ा नहीं, उसी के हाथ से दिलवाइए। उसे भी पता चले कि आपका बच्चा कितना प्रिविलेज्ड है, उसे म्यूनिसिपल स्कूल में एक दिन गुजारने के लिए भेजिए, उसे ले जाइए वहां जहां ये मूर्तियां बनती है गुलबाई के क्रम, और दिखाइए कि लोग कैसे जीते। हम सब सारे मिलकर एक एक गौतम बुद्ध तैयार कर रहे हैं, उसे दिखा नहीं रहे कि सच्ची दुनिया क्या है। उस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, उसे वो सब मिलना चाहिए जो उसके मुंह से निकले। लेकिन जब वो दुनिया में जाएगा, जब वो बाहर जाएगा, जब वो बाहर निकलेगी या निकलेगा, तब उसे कोई भी ऐसी सहूलियत नहीं मिलेगी। ये दुनिया कट थ्रोट बाजार है, और हमने हमारे बच्चों को कट थ्रोट बाजार के लिए तैयारी नहीं किया। बैंक में नहीं जा सकता, पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकता, कुरियर नहीं कर सकता, हमारे बच्चे के पास प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं, अपना कबर्ड ठीक नहीं कर सकता, बटन नहीं डाल सकता, शूज कहाँ रिपेयर कराने उसको पता नहीं है।
अपना रूम ठीक नहीं कर सकता और सब मम्मियां रूम साफ कर रूम साफ कर रूम साफ कर और उसके बाद खुद कर देती हैं। सब मम्मी तू रूम साफ कर तू जो हाँ आवे वो काम करिस जो हाँ आवे वो टेम करिस ये सब हो जाने के बाद मम्मी रूम साफ कर दे और उसे भी पता है कि चिल्लाती रहेगी फिर खुद ही कर दे। उसी क्या आप अपने बच्चे को समझे कि नहीं समझे वो आपको बराबर समझता है। उसे बराबर पता है कि मम्मी को कैसे ब्लैकमेल करना है मम्मी के पास क्या काम करवाना है मम्मी को कैसे चिढ़ाना है मम्मी को कैसे हंसाना है बराबर उसके पास सब बटन है। और ये मिलेनियम के बच्चे आप सोचिए आप अपने आप को आप सोचते हैं हम छोटे थे तो ऐसे थे हम छोटे थे आपको आप जब छोटे थे तो 30 साल पहले छोटे थे 35 साल पहले छोटे थे। एक एप्पल का फोन आता है और तुरंत दूसरे साल दूसरा फोन आता है हाँ या ना और वो सारा अपग्रेडेड वर्जन के साथ आता है। आपको क्या लगता है 30 साल में भगवान ने कोई अपग्रेडेड वर्जन ही नहीं बनाया। ये सारे सब मैक्सिमम फीचर्स के साथ अपग्रेडेड वर्जन है। ये सारे फीचर्स आपको नहीं आते जो उनके पास है इनको सब पता है। दे आर इलेक्ट्रॉनिकली वाइज दे आर वेरी स्मार्ट देयर ब्रेन्स वर्क फास्टर एनी डे फास्टर देन योर्स दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट मच फास्टर देन यू कैन। जो बच्चा लैंग्वेज नहीं समझता है ना उसके सामने भी माँ बाप लड़े ना तो वो रोने लगता है हाँ या ना कैसे उसे क्या पता चला कि ये लोग लड़ रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं आप वो मस्ती नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे। आप सोचिए 3-4 औरतें ऐसे फुग्गा लेके दौड़ रही हो कैसी लगे और 3-4 बच्चे दौड़ रहे हो फुग्गे लेके कितने अच्छे लगते। वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा वो क्यों सुनेगा वो क्यों ऐसे बैठेगा जैसे आपने उसको बिठाया। उसको ना कुछ समझ में आता है ना उसको कुछ इंटरेस्ट है। उसको क्यों बिठाया जाए छोड़ दो उसको उसको जो करना है करने दो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है किसी और को कर रहा है। अगर अपना ही बच्चा अपने को डिस्टर्ब करने लगे तो मुझे लगता है आप में कुछ प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा मुझे क्यों डिस्टर्ब करेगा अगर वो मस्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए। सिट लाइक अ लेडी 4 साल की बच्ची को मम्मी बोलती है नीचे नीचे पग नीचे चड्डी दिखाई चाहिए तो यही तो देखा नहीं चाहिए डोंट यू थिंक सो। उसको अभी से क्यों कॉन्शियस करे नीचे पैर रखो और ऐसे करो और ऐसे बोलो धीरे बोल धीरे बोल धीरे बोल वो नहीं चिल्लाएगा तो कौन चिल्लाएगा। आपको पिक्चर देखनी है तो आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। उसको पिक्चर में कुछ समझ नहीं आता कोई इंटरेस्ट नहीं आप उसको दे जाए पॉपकॉर्न उसके बाद वेफर उसके बाद ये उसके बाद वो और फिर बोलेंगे जंक नहीं खाना है। सब कन्वीनियंस पे डिपेंडेंट है। मेरी कन्वीनियंस क्या है उस तरह से मैं अपने बच्चे के पास से अपेक्षा रखूंगी मत कीजिए। उसकी कन्वीनियंस देखिए 1.5-2 साल का बच्चा घर में होता है और मेहमान आते हैं हम सब आप सोचिए अंकल को नाक दिखाओ अंकल को गाल दिखाओ अंकल को हाथ दिखाओ फिर थोड़ा बड़ा हो जाए अंकल को पोएट्री सुनाओ फिर वो बोलेगा नहीं सुनानी है तो बोले अंकल बोलेंगे तुमको नहीं आती है मतलब चैलेंज कर दिया बच्चे को उसका ईगो हर्ट हो गया। माँ बाप उसके साथ खेलेंगे तो हर वक्त बच्चा ही फर्स्ट आएगा अरे वाह फर्स्ट हो गया दुनिया में कौन है जो उसको ऐसे जिताएगा बताइए कोई नहीं जिताएगा। उसे अपने बल पे जीतना सिखाइए और पूरी स्पोर्टिंगली हारना सिखाइए वो हार भी सकता है। आपके लिए आपका बच्चा श्रेष्ठ है दुनिया में वो श्रेष्ठ नहीं भी हो सकता। हम वही लौट कर आते हैं जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी। सब बच्चे अगर फर्स्ट आएंगे तो सेकंड थर्ड फोर्थ कौन आएगा। आपका बच्चा अगर सेकंड आता है थर्ड आता है फोर्थ आता है तो वो कमजोर नहीं है वो किसी और चीज में बेहतर है। वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है अच्छा पेंटर है अच्छा सिंगर है अच्छा म्यूजिशियन है उसे जिंदगी में कुछ और चाहिए
मार्क्स के अलावा कुछ और। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आज बड़े बड़े एक्टर हैं, उन्हें डिसलेक्सिया था। अभिषेक बच्चन है डिसलेक्सिया, आज इतना बड़ा एक्टर है, क्या फर्क पड़ा उसकी जिंदगी। हर चीज को वक्त लगता है अचीव करने में, पाने में, पहुंचने में। आप अपने नजरिए से, अपने मापदंड से मत देखो अपने बच्चे को। और पड़ोसन बेस्ट होती है, किटी में बेस्ट फ्रेंड्स होती है, कितना मार का गया, फिर आपको बोलना है 65% एडमिशन नहीं मिले, और आपका भी हतोत्साह कंप्लीटली, आपको लगता है अरे यार। और दूसरी बोलती है मारा ना तो 85 मड़ी जैसे। मतलब अपने अपने बच्चों के कंपैरिजन के लिए इकट्ठे होते हैं आप, क्यों? मत कीजिए। चार चीजें पेरेंटिंग के लिए आपको मैं बताऊंगी और उसके बाद हम Q&A करेंगे। मैं चाहती हूँ आप पूछें और हम बात कर लें। चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, बहुत प्यार कीजिए। उसकी गलती हो तो भी प्यार कीजिए, वो गलती करेगा। बेटी हो या बेटा, आपका बच्चा गलती करेगा, वो झूठ बोलेगा, वो चीजें तोड़ेगा, वो दूसरों के घर से चोरी करेगा। लेकिन उसको चोरी मत कहिए, उसको ये कहिए कि बेटा किसी की चीज नहीं लाते, वापस करके आते चल। हिम्मत से उसके साथ जाइए और कहिए ये आ गया था, ये आपको वापस कर देंगे, उसी के हाथ से दिलवाइए। घर में अगर कोई आया है और कोई चीज लेकर आया है तो उसे ये मत कहिए कि ये तुम्हारा है, कहिए ये हमारा है, हम सबका। बहुत स्नेह कीजिए अपने बच्चे पे, उसकी गलतियों पे डांटिए जरूर, लेकिन डांटने के बाद भी बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं। वो सिर्फ आप ही की तरफ देखता है, वो किसी और की तरफ नहीं देखता। आप सोचिए, एक साल का बच्चा जो माँ के कंधे पे सर रख के सो जाता है, उसको कभी भी डर लगता है कि मेरी माँ मुझे कहीं गिरा देगी, कहीं छोड़ देगी, कहीं भूल जाएगी? कितने विश्वास से सोता है वो? ये भी नहीं सोचता कि मैं सो रहा हूं, इसने कहीं गिरा दिया तो, इसने कहीं छोड़ दिया तो, ये एसके में कहीं भूल गई तो। पूरे विश्वास से माँ के कंधे पे सर रख के सो जाता है। इसका मतलब है वो तो आपसे बहुत स्नेह करता है। आप थप्पड़ मारो उसके बाद भी रोता हुआ किसके पास आता है, किसके पास आता है? माँ के पास ही आता है। तो वो तो आपको एकदम तुरंत माफ कर देता है, फिर आप क्यों नहीं माफ कर सकते अपने बच्चे को? उसकी गलतियों की सजा जरूर दीजिए, लेकिन उतनी ही सजा दीजिए जितनी वो सह सके। नफरत मत कीजिए अपने बच्चे से, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगी। और जब सजा देते हैं तो उसे पता होना चाहिए कि ये सजा है, क्या हो सकती है ये सजा, मैं आपको ऑप्शन दूं, उससे बात करना बंद कर दीजिए। उसका फेवरेट फूड नहीं बनेगा एक हफ्ता, उसकी फेवरेट जगह नहीं जाएंगे एक महीना, ये सजा है उसके लिए। मम्मी बात नहीं करे उससे बड़ा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा बच्चा छोटा था और मैं बात करना बंद करूं और वो रोना चालू, मैंने माफ करी दे, मतलब वो इतना खराब रोता था कि मैं उससे थक हार के कि हाँ मैंने माफ किया, छोड़ मुझे, इतना बुरा रोता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उससे प्यार कीजिए। दूसरी बात यह है, मारिए मत। Do not raise your hand over your child, never ever. वो छोटा है, प्रतिकार नहीं कर सकता, इसलिए आपका मार खाता है। सच में बहुत गुस्सा आए तो जाइए सोसाइटी के वॉचमैन को मारिए, वो आपको दो थप्पड़ जो लगाएगा आपकी समझ में आ जाएगा कि अपनी उम्र के, अपने हाइट को, वेट के इंसान को मारना कैसा होता है। वो छोटा है, नहीं आपका प्रतिकार कर सकता, इसलिए आपका मार खा लेता है, लेकिन उसके मन में गांठ बन जाती है कि मुझे मारा है, मैं याद रखूंगा। मत ये कड़वाहट के बीच डालिए उसके मन में। और मारने से कोई सुधरा नहीं है, सो मारने से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा ऐसा अगर आपको लगता है तो ये आपकी गलती है, उसकी नहीं है, ये आपकी पेशेंस कम है, इसलिए आपका हाथ उठ जाता है। कभी हस्बैंड को मारा है? आया ना,
हाँ या ना? कोई हाँ बोल रहा? उस पर भी तो बहुत गुस्सा आता है, उसकी भी तो बहुत सारी गलतियां हैं। क्यों उस पर हाथ नहीं उठाते आप? क्योंकि पता है कि सामने से और एक लपड़ आएगा। ये बेचारा नहीं मार सकता, छोटा सा है, आप पर डिपेंडेंट है, तो आप अपना पेशेंस खोके दिन भर का गुस्सा उस पर निकालते हैं। मत कीजिए। आप जॉब करती हैं, आपको जॉब में तकलीफ है, आपको घर में बहुत काम है, मेड नहीं आई, गैस चला गया, हस्बैंड ने अच्छा बिहेव नहीं किया, सास ने कुछ कह दिया, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, मत मारिए। ये दूसरी बात मैं आपको कहती हूँ। तीसरी बात, रिस्पेक्ट ईच अदर मैक्सिमम यू कैन। बहुत लड़िए। अगर आपके एक दूसरे के प्रति मतभेद है तो बेडरूम में जाके बच्चे के सोने के बाद लड़िए। 5 साल के बच्चे को अलग बेडरूम में सोने की आदत डालिए। यू मे नॉट नो बट योर चाइल्ड ऑब्जर्व्स एवरीथिंग, नोज एवरीथिंग एंड ही अंडरस्टैंड्स और शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। योर फिजिकल रिलेशनशिप्स, योर इमोशनल रिलेशनशिप्स, योर एंगर, योर एंग्स्ट, योर एवरीथिंग। डू नॉट मेक योर चाइल्ड अ विटनेस ऑफ योर रिलेशनशिप, प्लीज डोंट। धीरे धीरे करके सुलाइए, वो सो जाए उसके बाद आप अपने कमरे में जाइए, धीरे धीरे आदत डालिए। ऐसा नहीं कि चलो आज से अलग कमरे में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके साथ सोता है तो आपकी फिजिकल रिलेशनशिप्स भी वो नोटिस करता है। प्लीज डू नॉट मेक द चाइल्ड अ विटनेस ऑफ व्हाट योर रिलेशनशिप इज। एंड इसके बिल्कुल रिवर्स, एक दूसरे से बहुत स्नेह कीजिए और उसके सामने ही कीजिए। मैं मम्मी के लिए लाया हूँ, मैं मम्मी के साथ ये करता हूँ, मम्मी कहेगी नहीं डैडी के आने के बाद खाऊंगी, नहीं मैं डैडी के साथ ऐसे। उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे माता पिता एक दूसरे से बहुत प्रेम करते। और अगर उसे ये पता है तो उससे सुरक्षित बच्चा इस दुनिया में और कोई नहीं। उसे कभी भी असुरक्षा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसकी दुनिया में 2 लोग हैं और वो 2 लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो उसे लगेगा कि मेरे लिए ये दुनिया ही मुकम्मल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आजकल इतने डिवोर्स हो रहे हैं, आपका बच्चा स्कूल में भी सुनकर आता है कि मेरे माँ बाप डिवोर्स ले रहे हैं। आप लड़ेंगे उसके सामने, एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे, तो वो आपसे नहीं कहेगा लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चलेगा। वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा लेकिन मनोमन कुछ सोच लेगा। और अगर वो मन ही मन कुछ सोचता है तो उसका असर उसकी पर्सनालिटी पे, उसके एग्जामिनेशन पे, उसके स्टडीज पे, उसकी हर चीज पर पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे आजकल बड़े होने के बाद भी बिस्तर गीला करते हैं। इसका कारण शायद ये है कि वो बच्चे मन ही मन बहुत असुरक्षित है। उन्हें नींद में डर लगता है कि मेरे माँ बाप अलग हो जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगा, वो बताते नहीं। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत कुछ शेयर कीजिए अपने बच्चे के साथ, ताकि वो भी आपके साथ बहुत कुछ शेयर करे अपना दिन। वो भले उसको इंटरेस्ट ना हो, आके बताइए आज मेरी ऑफिस में ऐसे हो गया, आज ऐसा हो गया, आज इतना ट्रैफिक था, आज ये था, आज यूं हुआ। पेपर पढ़ते हुए बताइए, देखो नया इलेक्शन हो रहा है, ये हो गया साउथ ईस्ट में, ये हो गया यहाँ, ये हो गया तुर्की में, भूकंप आ गया, कुछ भी, कोई भी बात कीजिए उससे। धीरे धीरे आपके साथ वो भी बात करे, अपनी स्कूल के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपने सपनों के बारे में। आप सब मेच्योर पेरेंट्स हैं। आपके साथ एक बहुत अच्छा आखिरी मैं अपना इंसिडेंस शेयर करना चाहूँगी। मैं गाड़ी चला रही थी और मेरा बच्चा मेरे बाजू में बैठा था, एक लड़का ऐसे करके निकल गया, मैं लग जाती उसके साथ, और मेरी माँ सुनती है तो मेरे मुँह से गाली निकल गई। मेरे बच्चे ने गाली सुनी, मेरे बाजू में ही बैठा था 9 साल का बच्चा, उसने ऐसे करके मेरे सामने देखा और बोला, माँ तू गाल बोली। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं गाली नहीं बोली तो मैं झूठ बोलती हूँ। अगर मैं उसे प्रीच करती हूँ कि गाली नहीं बोलनी चाहिए, ये तो गलत है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो उसके सामने मैं बेकार हूं कि खुद बोलती है मुझे मना कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने उसको पूछा, तने कौन कहवा निकाल के भाई? ये पेरेंटिंग है। तुरंत डिसीशन लो झटके में, तुमको किसने कहा इसको गाली बोलते हो?
तुम कहां से जान के आए पहले ये बताओ, मेरी बात हम बाद में करेंगे। अब वो है एक्सप्लेनेशन के बॉक्स में, वो कहता है हमारे यहाँ है ना बाथरूम में लड़के बोलते हैं। अब मुझे पता चला उसकी स्कूल के बारे में, तो मैंने कहा और तो कुछ नहीं करते तुम, यहाँ वहां छूते तो नहीं, तुम्हें पकड़ के सिर्फ गाली बुलवाते और तो कुछ नहीं करते। नाउ यू विल नो गुड टच बैड टच विथ योर चाइल्ड एंड दिस इज हाउ यू शेयर, दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट, दिस इज हाउ यू बिगिन द कम्युनिकेशन। मुझे लगता है बातें करने से बहुत कुछ आसान हो जाता है। कीप टॉकिंग टू योर चाइल्ड अबाउट मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड। बहुत गर्मी है से शुरू करके आज क्या खाओगे, तुम्हारी मम्मी ये पहनती है तो मुझे अच्छा लगता है, ये पहनती है तो नहीं अच्छा लगता है, दादी माँ ऐसी है, दादाजी ऐसे है, मेरा भाई एक था वो ऐसा था, मेरा एक दोस्त ऐसा था, कुछ। कीप टॉकिंग टू योर चाइल्ड एंड इफ यू टॉक टू योर चाइल्ड विल टॉक बैक टू। दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा बहुत अच्छी स्कूल में जाने वाला है, जा रहा है, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आज यहाँ आए हैं यही दिखाता है कि आप अपने बच्चे के लिए कॉन्शियस हैं, चिंतित हैं और आप चाहते हैं कि आप मुझसे कुछ सुने, दो टिप्स लेके जाएं और अपने बच्चे की बेहतर परवरिश करें। जो लोग नहीं आए हैं उन लोगों के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि दे आर नॉट बॉदर्ड, यू आर हियर एंड यू आर बॉदर्ड एंड यू आर कंसर्न एंड यू आर वेरी कॉन्शियस पेरेंट, दैट इज वाई यू आर हियर। अपने बच्चे की प्रगति में इंटरेस्ट लीजिए, उसे किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है इसमें भी इंटरेस्ट लीजिए और क्यों नहीं है ये भी जानने की कोशिश कीजिए। मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि मुझे मैथ्स टीचर अच्छा नहीं लगता था। ऐसा भी हो सकता है कि टीचर नहीं अच्छा लगता इसलिए आपको सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता, ऐसा भी होता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, थोड़े भीतर जाइए, थोड़ा झांकिए, थोड़ा समझिए, आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और हर पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स होते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत कुछ देना चाहते हैं, बेहतर देना चाहते हैं, दुनिया से बहुत अच्छा देना चाहते हैं, आप भी उनमें से हैं। कोशिश यही है कि हम सब मिलकर एक बेटर पेरेंटिंग करें। थैंक यू सो मच। माइकल, आप मुझसे कुछ भी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैं आपको फॉलो करती हूँ फेसबुक पे, पर मेरा ऐसा था कि मैं कब आपसे मिलूंगी, लाइव आपको सुनूंगी, पर मुझे अभी आज ऐसा फील हुआ कि हम जो सोचते हैं ना रियल में ऐसा होता है। तो आज मेरे बेटे को मैंने बोला कि भाई आज मैं काजल ओझा से मिलने जा रही हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो इसको बहुत बड़ी बात नहीं लग रही थी क्योंकि इनको सब मिलता है, ये जो बोलते हैं हम उनको एट अ टाइम सब देते हैं ना, तो उसमें से उस बच्चे को कैसे निकालें कि हम इनकी सब डिमांड्स पूरी करते हैं। तो वो हमारे में फीलिंग्स आनी चाहिए कि हम इनको ये चीज आज ना लेके दे, इनको ना कैसे बोले उस चीज के लिए, सिंपली ना बोलिए। हाँ, हम डरते हैं एक्चुअली, आज के पेरेंट्स बच्चों से डरते हैं। आप इस बात का स्वीकार करें कि ना करें, लेकिन आप अपने भीतर जानते हैं कि आप अपने बच्चे से डरते हैं। अगर मैंने ना बोला तो रूठ जाएगा, अगर मैंने ना बोला तो ऐसा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आप शांति से बोलिए कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ये हमारी पहुंच के बाहर है, या ये तुम्हें देने का अभी वक्त नहीं हुआ है। आज पीएसपी मांगेगा तो छोटा है, आप उसको पीएसपी नहीं दे सकते। तो आप बड़े आराम से उसे समझाइए कि जब तुम उस उम्र में पहुंचोगे तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें सेलफोन 10 साल की उम्र में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, फिर तुम रो तो भी नहीं मिलेगा, खाना नहीं खाओ तो भी नहीं मिलेगा, चिल्लाओ तो भी नहीं मिलेगा, और शांति से मेरे साथ बात करो तो भी नहीं मिलेगा। अभी जैसे कजिन्स होते हैं हमारे, भाई सिबलिंग्स होते हैं, मेरे को तो एक ही चाइल्ड है, तो भाई अभी उनके ननिहाल वालों ने उनको लेके दिया तो आप मुझे भी लेके दो, तो वो मैं उनको डिमांड उनकी कैसे पूरी करूँ, भाई उसकी नानी ने उनको लेके दिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बेटा एक दिन मुझसे कह रहा था कि परम की मम्मी तो उसे किसी चीज में मना नहीं करती, तो मैंने उससे कहा कि बैग पैक कर दूं, परम की मम्मी रखेगी तुझे, मैं भेज दूं तुझे। अच्छा। जा रहा है मम्मी, परम की मम्मी के पास, अगर वो अच्छी मम्मी है तो तू परम की मम्मी का बेटा बन जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बच्चा ये रियलाइज करे कि उसको जो कुछ भी मिल रहा है वो कितना प्रिविलेज है,
और ये आप कैसे समझाएंगे? उससे कम प्रिविलेज वाले बच्चों को अगर वो कंपेयर करेगा तो ये उसकी समझ में आएगा। हम अपने बच्चों को ऐसे बच्चों के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए कहते हैं जो हमारे से ऊपर, हमें लगता है ये कॉन्टैक्ट है, आगे जाके ये उनको व्यापार में कहीं हेल्प करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। थैंक यू। आप अपने से नीचे वाले लोगों के पास ले जाए, ये जो गुलबाई टेकरा के बच्चे हैं, जाके दिखाएं कैसे पढ़ते हैं। शाम को 7 बजे प्रिंसिपल स्कूल में जमीन पे बैठ के होमवर्क करते हैं बच्चे, ले जाके दिखाएं उनको और उसे कहें कि ये जिंदगी चाहिए, नहीं चाहिए ना तो तुम बेहतर जगह हो। थैंक गॉड फॉर व्हाट यू हैव। ये क्रिश्चियनिटी में एक बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है कि दे से थैंक यू गॉड फॉर द मील वी हैव, फॉर द हेल्थ वी हैव, फॉर द फैमिली वी हैव। वो खाने से पहले एवरी डे दे थैंक, स्टार्ट दिस प्रैक्टिस एवरी डे कि हे भगवान हमें जो भी मिला है उसके लिए हम आपके आभारी। ये हम कहते ही नहीं है, हमें जो नहीं मिला है उस पर फोकस करना सिखा दे। और ये तो आप देखिए, आपकी गलती नहीं है, फिर भी मैं सब पेरेंट्स से कहूंगी कि हम खुद अंदर से कितने अधूरे, कबाट भर के हमारे पास कपड़े हो फिर भी घर में किसी की शादी हो तो आप कबाट खोल के क्या बोलती है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं। तो हम भी तो अंदर से अधूरे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारे अधूरेपन को उन तक पहुंचाते हैं। हम कभी सेटिस्फाइड नहीं है, हम कभी थैंकफुल नहीं है, हम कभी ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो कहां से सीखेंगे? से डैडी इज वर्किंग 10 आवर्स अ डे एंड दैट इज हाउ वी हैव 3 एसीज इन द हाउस, थैंक डैडी फॉर व्हाट वी हैव। या एक्चुअली तो ये हम नहीं करते, थैंक महाराज फॉर कुकिंग, थैंक द मेड फॉर कीपिंग द हाउस क्लीन, वी डोंट डू दिस। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना सिखाइए बच्चे से, तो उसे समझ में आएगा कि ग्रेटिट्यूड क्या चीज है। यहाँ किसी को चाहिए था माइक? અમે બધા, હું વિઝિટિંગ ફેકલ્ટીમાં જતી હતી ત્યારે સંજય સર ખરા ને, એમના ફ્રેન્ડ છે એક સર, તો અમે જસ્ટ લંચ બ્રેક એવું કંઈ હોય તો તમારી વાત નીકળી, એટલે તમારા વિડીયોઝ ફેસબુક પર હું જોઉં એટલે ઓલો 2 વિડીયો તમારા મગજમાં છે, મારા હસબન્ડ કા નામ હા, તો ઓલો ટીંડોળા વાળો કે ભાઈ ટીંડોળાનું શાક નથી ખાતો, તો ભાઈ શીખી ગયો, રૂમાલ નતો સુકવતો તો સુકવતા શીખી ગયો, શીખવું જ પડે હા। એ 2 વસ્તુ મારા માઇન્ડ પર બહુ ઇફેક્ટ થયેલી, વાત નીકળેલી કે ભાઈ કાજલ ઓજા વૈદના મેમના કે ભાઈ મોરારી બાપુ કહે છે કે ભાઈ એમના માતામાં સરસ્વતી વસે છે, આજે જોઈ લીધું, મન ખુશ થઈ ગયું તમને મળ્યા તો, મેમ આજે લાઈવ સાંભળવા સ્પેશિયલ વહેલા જમવાનું બનાવીને હું મારી 3 વર્ષની બેબી હસબન્ડને ઓફિસથી વહેલા બોલાવીને તમને સાંભળવા આવ્યા, થેન્ક યુ। તમારો સવાલ શું છે? હા મેમ, એકચ્યુઅલી એવું છે કે બસ તમારી આ વાત સાંભળી મન ખુશ થઈ ગયું કે હું બી, અમે એકલા રહીએ છીએ અત્યારે, અમે 3 જણા એકલા કેવી રીતે હોય? અરે મીન્સ કે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં નથી, એક જણ હોય તો એકલું કહેવાય, 3 જણા એકલા હોય હા કે ના? તો 3 જણા રહીએ છીએ, એકલા નથી, સોરી। તો બસ અત્યારે તમારી એક વાત સાંભળી કે જેમ તમે કહો છો ને કે ફ્રસ્ટ્રેશન નીકળી જાય ઘણી વાર, બાળક મારી બેબી બી બહુ જીદી છે, એટલે અત્યારે તમારી વાત સાંભળી કે ભાઈ મારે છે તો મા પાછી જ જાય છે, મારા પાસે જ પાછું આવે છે બાળક, એટલે અત્યારે એ હું શીખીને જઈશ કે હું ગમે તેવું થશે એના પર હાથ નહીં ઉપાડવાનો, એટલે નહીં ઉપાડવાનો। હા, હું તમને સાચે બધાને કહું છું, આઈ એમ ટેલિંગ ઓલ ધ પેરેન્ટ્સ, ડુ નોટ રેઝ હેન્ડ ઓન યોર ચાઇલ્ડ, બસ એ જીતી એસા ભી નહીં, નો। ઓર ઇસકે લિયે બહોત પેશન્સ ચાહિયે, બહોત ધીરજ ચાહિયે, લેકિન આપ ઇસ બાત કો ડેફિનેટલી વક્ત આને પર એપ્રિશિએટ કરેંગે કે મેને મેરે બચ્ચે કો મારા નહીં, ના પાડીએ છે, હું ના પાડું છું કે આ વસ્તુ નથી કરવાની, પણ એના ડેડી તો ના આવે આટલું રડે છે, કરવા દે કરવા દે, થઈને શું કહેવાય કે ના આપી દેવાય, એટલે મેં કહ્યું ને કે આમાં 2 જ રસ્તા છે, બંને જણા મક્કમ થઈ જાઓ, બોથ ઓફ યુ ગેટ સો डेफिनेटली फर्म ऑन अ डिसीजन कि ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। अगर उसको घर में ही लॉयर मिला है तो उसके जितना नसीब वाला और कोई है नहीं, और आज के बच्चों को घर में लॉयर है, इन हाउस रखते हैं लॉयर सारे बच्चे, जैसे कंपनी रखती है ना ऐसे बच्चे भी इन हाउस लॉयर रखते हैं। मैं तो यहाँ 2-4 ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहे हैं, उन्हें भी कह रहे हैं कि उसके माँ बाप जैसे उसको रेस करें उनको करने दीजिए, आपने अपने बच्चों को बड़ा कर लिया, अब वो अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं वो उन पर छोड़ दीजिए।
आप मत पढ़िए उसमें, आप प्यार कीजिए, कहानियां सुनाइए, गुजराती सिखाइए, बहुत हो गया। वो अपने बच्चे को जो खिलाते हैं, जो करते हैं, जैसे रखते हैं, वो उनके बच्चे। आपने अपने बच्चे को जैसे बड़ा करना था हो गया, अब ये उनके बच्चे हैं, उनको उनके साथ डील करने दीजिए। दादा दादी बहुत ज्यादा इंटरफियर करते हैं, और मुझे सच में ये कहना है कि आप अगर साथ में रहते हैं तो प्लीज मत कीजिए, उसके माँ बाप को डिसीजन लेने दीजिए। उसके माँ बाप अगर डिसिप्लिन कर रहे हैं बच्चे को तो करने दीजिए, वो उसके बेहतर के लिए ही कर रहे हैं। वो भी माँ बाप है, अपने बच्चे से प्यार ही करते हैं, वो राक्षस नहीं है। तो आपको एकदम स्नेह आ रहा है, आपको एकदम ये ननिहाल से लेके दिया, उन्होंने कहा उसके नानी ने लेके दिया, माँ की इच्छा है कि नहीं है किसी ने पूछा नहीं, नानी ने गिफ्ट कर दिया। अब ये माँ की इच्छा नहीं भी है शायद देने की, पर नानी ने दे दिया, कैसे मना करे बताओ। तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि अपने बच्चे को अपनी तरीके से बड़ा कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को अपने तरीके से डिसिप्लिन कर रहे हैं, उनको करने दें, आप इंटरफियर ना करें, क्योंकि इससे बच्चा बिगड़ेगा और कुछ नहीं होगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरा कुछ भी होगा दादा दादी बचा लेंगे, नाना नानी बचा लेंगे, और ये गलत होगा। वो अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का रिस्पेक्ट उसके बच्चे ना करें? तो प्लीज मत इंटरफियर कीजिए। थैंक यू सो मच। यस प्लीज। हेलो मैम, पहले हूँ अतु के फर्स्ट माटे कंपनी मॉडल એટલે સેકન્ડ રીડ કર્યું, પછીથી એવું થાય છે કે બંને એટલું ઝઘડે છે, લડે છે, ઓલવેઝ મોટું કીડ એવું વિચારે છે કે ક્યાંક મને ઓછું આપે છે, મીન્સ કે એને અનઇક્વલ ફીલ થાય છે કે નાનાને વધારે રાખે છે, મને થોડું ઓછું રાખે છે। અમે ગમે તેટલું એને સેટિસ્ફાઈડ કરીએ પણ એ કદી સેટિસ્ફાઈડ બી નથી થતું, તો એના માટે હું શું કરી શકાય કે હી વિલ ફીલ બેટર? એને એવું એક તો છે ને આ સિનેમા ઓટીટી બધાએ આપણા ઉપર બહુ અસર કરી છે, એટલે આપણે પણ ડરેલા છીએ કે પછી આ એને સાયકોલોજીમાં જતું રહેશે, આમ થશે, એવું કંઈ નથી। તમે બંને બાળકોને વાલ કરો છો, તમે બંનેને સ્નેહ કરો છો, તમે બંનેને સરખું આપો છો। હવે નાનાને થોડી તમારી વધારે જરૂર છે, કારણ કે એ હજી ડિપેન્ડન્ટ છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી, તો એને જ ધીરે ધીરે કલ્ટિવેટ કરો તમારા મોટા બાળકને, કે એ જ નાનાનો ગાર્ડિયન બને, એને રિસ્પોન્સિબલ કરો કે તું થોડી વાર ભાઈનું ધ્યાન રાખ, ચલ ભાઈનું આટલું કર, ચલ ભાઈનું આ કર, ચલ ભાઈને તું જમાડી દે। સો દેટ વિલ ગીવ હિમ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇટ વિલ ગીવ હિમ ધી સેન્સ ઓફ બિલોંગિંગ ફોર ધ યંગર વન, કે આ મારી જવાબદારી છે। અને એ વખતે બે જણા ઝઘડતા હોય ત્યારે બેમાંથી કોઈનો પક્ષ નહીં લેવાનો, ખાલી છૂટા પાડી દેવા, ખરેખર કોનો વાત છે ખબર હોય ને તો પણ એનો પક્ષ નહીં લેવાનો। હા, એટલે એ ફીલ કરે છે, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, કારણ કે શું છે કે 6 વર્ષનો થાય ત્યારે બીજું આવે, સો 6 વર્ષ સુધી ટોટલ ફોકસ એવી જ, હવે કોઈ શેરિંગ કરે છે, હવે કોઈ આ કરે છે, તો ફોર અ વાઇલ એવું થાય થાય છે, પણ એ જેમ મોટા થશે એમ બહુ ગાઢ સંબંધ થશે। અને બે બાળકો એ સાચો જ રસ્તો છે એ હું પણ માનું છું અને બહુ સ્ટ્રોંગલી માનું છું। શેરિંગ ઘરમાં જ શીખે તો બેસ્ટ છે, જોઈન્ટ ફેમિલી હોય ને બે ભાઈઓના બે બાળકો હોય, ફોઈના બચ્ચા હોય, મારા દીકરા એટલે સંજયની બહેન છે એની બે દીકરીઓ છે અને મારું એક જ ચાઇલ્ડ છે, પણ મારો દીકરો છોકરીઓ સાથે વર્તતા એની બહેનો સાથે વર્તીને શીખ્યો છે। આજે 24 વર્ષનો છે મારો દીકરો, એની બહેનપણીઓની મમ્મી એવું પૂછે કે તથાગત જવાનું છે પાર્ટીમાં તો તને મોકલું। He is such a chivalrous child. I am not saying because he is my child, but I am very happy that he was raised with daughters. And he has learned ke chhokri sathe kevi rite vartay. He is so caring, he is so nice to women, he is so chivalrous to women, because he has learned this from his sisters. Ke behno dependent hoye, behno ne mukhi devani, pehla behno utre pachi apne utarvanu. So he has learned this over a period of time, and very subconsciously he has learned this. So he is very nice to daughters, he is very nice to ladies, he is very chivalrous to women. એટલે આ અપબ્રિંગિંગ જોડે ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ, યુ હેવ નોટ મેડ અ મિસ્ટેક, એન્ડ આઈ એમ શ્યોર યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ઇન 5 મોર યર્સ ટુ કમ।
બંને મોટા થશે ને એટલે તમને સમજાશે કે તમે ભૂલ નથી કરી. યસ પ્લીઝ. અભી કુછ સમજાને જો ચાહતે હૈ દાદી યા દાદા કે ऐसा करना चाहिए, तो वो बोलती है कि नहीं मम्मा ने ऐसा बोला है तो मैं ऐसा ही करूँगी, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता. देखिए आप एक साथ सबको खुश नहीं रख सकते. वही मैम. दादा दादी विंड स्क्रीन कितना बड़ा होता है? क्योंकि आगे देखने के लिए, और रियर व्यू कितना होता है? छोटा. क्यों पीछे देखने के लिए? तो वो जो पीछे है उनको पीछे रहने दीजिए. वो प्यार करते हैं, वो आपके बच्चे को संभालते हैं, आप बाहर जाते हैं तो आपके बच्चे का ख्याल रखते हैं. वी विल बी आर थैंकफुल टू देम, वेरी थैंकफुल, बट एवरी टाइम मेकिंग देम हैप्पी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे थिंक इन 50 इयर्स बैक एंड यू आर थिंकिंग 10 इयर्स अहेड, सो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. आप उनके जैसा नहीं सोच सकते, एट द सेम टाइम वो आपके जैसा नहीं सोच सकते, तो सोच में डिफरेंस होगा, प्यार में नहीं होना चाहिए. प्यार में नहीं होता है तो उनको बुरा लगे कि दो दिन में ठीक हो जाए. एक्सप्लेन मत कीजिए. आप अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे, कुछ कहेंगी तो उसमें से आर्ग्यूमेंट होगी, आर्ग्यूमेंट में से बात बढ़ जाएगी, फिर बुरा कड़वा हो जाएगा. उससे बेहतर है कुछ मत कहिए. उसने जो कहा अपनी दादी को कहा, आप क्यों उसमें बीच में पड़ गए? मम्मा ने ऐसा बोला है, मैं ऐसा ही करूंगी. ठीक है, उसने अपना डिसीशन लिया, लेने दो. मैं भी समझती हूँ कि आपकी स्थिति बहुत बुरी होती होगी और सभी मिडिल एज पेरेंट्स की स्थिति बहुत बुरी होती है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स कुछ कहते हैं, बच्चे कुछ करते हैं, फूड से लेके क्लोथिंग से लेके हर चीज में मुश्किल होती है. लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना सिखाइए. सामने जवाब नहीं देना है, उनका ध्यान रखना है, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, उनका काम करना है. लेकिन इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो शांति से, वो अगर उसे कहती है कि मैं मम्मा कहेगी वो करूंगी, तो सही, आप चुप रहिए उस वक्त. आप उस वक्त ना इससे कुछ कहें ना उससे कुछ कहें, यही बेस्ट रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं. क्योंकि जैसे आप एक्सप्लेन करेंगे वो कुछ कहेंगे, फिर आप कुछ कहेंगे, फिर आप कुछ कहेंगे, और उसमें से बात बिगड़ जाए. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ. जी मैम. आफ्टर व्हेनेवर आई एम कमिंग फ्रॉम द जॉब तो मैं थक जाती हूँ. मेरा बच्चा कई बार मेरे ऊपर हाईवे की तरह गाड़ियाँ चलाता है, सो मैं ट्राई करती हूँ कि उसके साथ थोड़ा इंटरेक्ट हो जाऊँ, बट मैं इतना वर्क करने के बाद नहीं हो पाती हूँ. तो समटाइम आई एम फीलिंग गिल्टी, सो फॉर दैट डोंट फील गिल्टी बिकॉज द काइंड ऑफ फीस यू आर पेइंग, द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू आर एस्पायरिंग फॉर योर चाइल्ड विल नीड मनी, दैट विल नीड मनी एंड बोथ ऑफ यू हैव टू वर्क. ऑफ कोर्स मैम. सो व्हाटएवर टाइम यू हैव संडेज और व्हेनेवर योर हॉलीडेज आर, give him full time, give him quality time instead of quantity time. और आपको मैं सच कहूँ कि जो माएँ घर में रहती हैं वो भी कोई बहुत कमाल नहीं करती. But ma'am, I observe the changes. I am working and those are not working. I have observed the same child because मेरा child पहले मैम 2 years तक बहुत अच्छा रहा. Now when I started my job तो उसमें एकदम disaster change आया मैम. So I believe ऐसा आपको लगता है 2 साल तक हर बच्चा अच्छा ही होता है, उसे टेरिबल 2 कहते हैं. जो पेरेंटिंग जानते होंगे उसको पता होगा कि टेरिबल 2 के बाद ईगो शुरू होता है, उसके बाद उसका अपना पर्सोना डेवलप होता है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, उसके बाद उसका लॉजिक शुरू होता है. 2 साल तक हर बच्चा अच्छा ही होता है. तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि आपने काम करना शुरू किया और आपका बच्चा तब 2 साल का. इसे कहते हैं टेरिबल 2. 2 साल के बाद बच्चे का ईगो डेवलप होता है, उसका लॉजिक डेवलप होता है, वो अपने सवाल पूछता है, वो अपनी डिमांड्स करता है, वो अपनी जिद करता है, हर बच्चा करता है. 2 साल के बाद हर घर में यही समस्या है और रहती है. डरिए मत. आप अपना बेस्ट दे रही हैं, आप ऑनेस्ट हैं, प्रामाणिक हैं, अपने बच्चे के लिए जो हो सकता है कर रही हैं. इस बात का आपको फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए. Don't feel guilty. No mother should feel guilty. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for listening to me so peacefully. Bas main itna hai, haan ji, please. Last question. Inko dijiye, please. Mic. Double A is phonetic. Kajal. Okay. So it is Sanskrit way of writing. Acha. KA is half.
ગુજરાતી અને સંસ્કૃત જો તમે સમજતા હો તો કે એ મળીને આખો ક બને, આપણા બધા અક્ષરો અધૂરા છે. સો કે એ ઇઝ ફૂલ ક, સો વેન યુ સે ડબલ એ ઇટ મીન્સ ક. સો કાજલ, આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન ન્યુમરોલોજી, આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન એની દોનો છોટે હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેન યુ એક્સપ્લેન ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અ ફાધર ટુ બીકમ મધર એન્ડ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અ મધર ઓલ્સો ટુ બીકમ અ ફાધર એટ ટાઈમ્સ મતલબ માં બાપ જેટલી કડક હો ઓર બાપ માં જેટલા નરમ હો એ અનિવાર્ય હૈ બેટી કિસકે સાથ શેરિંગ કરતી હૈ યે તો બડી હોકર હી સમજ મે આયેગા વો કિસકે ક્લોઝ હૈ યે બડી હોકર હી સમજ મે આયેગા ઓર વો ચૂઝ કરેંગે ઇસમે આપ કહીં ભી કુછ ભી પહેલે સે ડિસાઈડ નહીં કર સકતે લેકિન દોનો માં બાપ જેટલી કડક હો બાપ જેટલી સ્ટ્રોંગ હો બાપ જેટલી મજબૂત હો वो अकेली बच्चों को बाहर ले जा सके, अकेली बच्चों को ट्रिप पे ले जा सके, अकेली पेरेंट्स डे पे जा सके, अकेली कमा सके. इतनी स्ट्रेंथ माँ में हो तो बच्चा कभी असुरक्षित नहीं महसूस करेगा. और पिता माँ जितना प्यारा हो, रहम दिल हो, नर्म हो, तो बच्चा पिता से जो भी शेयर करना चाहेगा कर सकेगा. हम लोग जब छोटे थे तो मुझे याद है कि मेरे घर में नहीं था लेकिन बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि बच्चे पिता से डरते थे. पिता घर में आए तो सब शांति हो जाए, सब चीजें ठीक हो जाए, सब एकदम बधु व्यवस्थित कही जाए. पप्पा आवे थे अने मम्मी पण डरावे, पप्पा ने कहो मतलब पप्पा जैसे कोई राक्षस है या कोई सजा कर देंगे या पप्पा से सारे बच्चे डरे. नहीं, पप्पा से क्यों डरे, डैडी भी इतने ही प्यारे हैं, डैडी से भी कुछ भी शेयर कर सकते, डैडी को भी कुछ भी कह सकते. बहुत इंपॉर्टेंट है पिता का माँ बनना, क्योंकि हो सकता है माँ के साथ वो क्लोजनेस आए ही नहीं और पिता के साथ आ जाए, तो वो तो तब आएगा जब एक पिता इतना स्पेस देगा. आपकी बेटी कल पीरियड्स में हो और आपसे डरे, आपसे शर्माए, इससे बेहतर है वो अकेली घर में हो आपके साथ और आपसे ये कह सके कि डैडी बहुत पेन है, आई एम नॉट ओके. और कल को उसका कोई बॉयफ्रेंड हो और आपसे ये कहे कि डैडी मीट माई फ्रेंड, वो क्यों छुपाए आपसे. और ये तभी हो सकता है जब आप इतने रहम दिल हैं, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने दोस्त हैं. और माँ इतनी स्ट्रांग हो कि वो अकेली घर चला सकती है, वो अकेली गैस का बॉटल बदल सकती है, वो अकेली ये कर सकती है, अकेली वो कर सकती है, अकेली बल्ब बदल सकती है. हर चीज में पिता की प्रतीक्षा करना जरूरी नहीं. सो अकॉर्डिंग टू मी टूडेज मदर इज ऑल्सो अ फादर एंड टूडेज फादर इज ऑल्सो अ मदर. मैंने देखा है कितने पिता को डायपर बदलते हुए, दूध बनाते हुए, दूध पिलाते हुए. और मुझे ये पिता बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे ये पिता पे बहुत गर्व होता है कि वो अपना पेरेंटिंग करेक्ट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं जो एक पिता को करना चाहिए. रणबीर कपूर ने जब पैटर्नल लीव लिया तो सब बोल रहे थे क्या जरूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेना चाहिए. सिर्फ मदर ही क्यों पैटर्नल लीव ले, फादर को भी पैटर्नल लीव लेना चाहिए. उसमें क्या बुरा है, बच्चे को वक्त देने में, बच्चे के साथ बातें करने में, बच्चे को समय देने में, बच्चे को प्यार करने में. अगर माँ को छुट्टी नहीं मिल सकती है किसी दिन और पिता ये तय करे कि आज मुझे मिल सकती है, मैं घर में रहूंगा, तुम जाओ, तो एवं कोई बायला ना थी. किसी दिन माँ थक गई है और पिता ये कहते हैं कि चल मुझे पास्ता आता है, मैं पास्ता बना देता हूँ या मैं सैंडविच बना देता हूँ, तो वो वह अकेला नहीं है, वो बीवी का गुलाम नहीं है, वो अपने परिवार को इतना दे रहा है जो एक पिता को एक परिवार के पुरुष को देना चाहिए. और मुझे लगता है हर पुरुष को ये करना चाहिए. इसमें कुछ गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड लेट मी टेल यू दिस नाउ दैट शी हैज मेंशन संजय, आई विल टेल यू कि मैं रात को बहुत देर तक काम करती थी, पहले सुबह नहीं उठ सकती थी और मेरे बच्चे की मॉर्निंग स्कूल थी. मुझे लगता है 3 साल तक संजय ने सुबह उठ के उसको दूध पिला के यूनिफॉर्म पहना के स्कूल भेजा है और मैं उसके जाने के बाद उठती थी. और हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि संजय क्यों सुबह उठ रहा है और वो क्यों दूध बना रहा है और वो क्यों डब्बे भर रहा है और वो क्यों यूनिफॉर्म पहना रहा है. ही इज बीन अ ग्रेट फादर एंड आई थिंक एवरी फादर शुड बी अ ग्रेट फादर. आपके बच्चे के पास आपकी बहुत सारी मेमोरीज होनी चाहिए.
हर बच्चे के पास अपने पिता की अपनी माँ की इतनी सारी मेमोरीज होनी चाहिए कि उनके चले जाने के बाद भी वो उसके भीतर उसके डीएनए में जिंदा रहे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच लवली वंडरफुल ऑडियंस एंड सच ग्रेट पेरेंट्स. आई एम सो प्राउड दैट दिस स्कूल सेज सेलिब्रेटिंग रूट्स. मुझे बहुत अच्छा लगा. विंग्स तो सब लेते हैं, रूट्स के बारे में बहुत सारे लोग नहीं बात करते हैं, तो हम रूट्स के साथ विंग्स देंगे, ये बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच मैम. वी आर हैविंग काजल ओझा मैम. राउंड ऑफ अप्लॉज पेरेंट्स. वी वांट फॉर काजल ओझा मैम. पेरेंटिंग एक तपस्या है, पर बहुत से पेरेंट्स के लिए समस्या है, और आज आपकी समस्याओं का बहुत थैंक फ्रॉम हार्ट ऑफ आवर बॉटम ऑफ आवर हार्ट मैम. That she's here, she's with us, she has given you guidance, tips, ideas, which will be fruitful for lifetime. Thank you, parents. Such a lovely parents. अपने लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए. Thank you. Thanks a lot. You made this successful. Thank you. Thanks for coming, parents.